हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर्स, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्हाई वी स्टडी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो आपने वर्ड बहुत जगह सुना है, पर कई बार ऐसा लगता है केमिकल रिएक्शन जो है केवल केमिस्ट्री का पार्ट है, रियल लाइफ में कोई पार्ट नहीं होता है। ऐसा कई बार हमें बचपन में फील होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं। तो इसको हमें समझना होगा, केमिकल रिएक्शन हमारे लाइफ में चारों तरफ हो रही है, हर तरफ हर समय केमिकल रिएक्शन होती रहती है, पर हम नोटिस नहीं करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, स्टेल फूड, जैसे आपके घर में जो खाना बनता है वो आपकी मम्मी जो खाना बनाती है, कई बार वो बच जाता है तो रखा रह जाता है, तो कुछ समय बाद उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है, आप उसको खा नहीं सकते, आपको बदबू आएगी। तो वो फूड जो होता है, वो फूड ख़राब क्यों हुआ? क्योंकि उस फूड के अंदर क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि कैसे हैं, जिससे स्मेल आ रही है, जो कि हार्मफुल हैं आप खाएंगे तो वो भी क्या है, उसके अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है मेडिसिन। आप जब कभी बीमार पड़ते हो तो आप क्या खाते हो, दवाइयाँ खाते हो। तो वो दवाइयाँ जब आप खाते हो तो दवाइयाँ क्या होती हैं, एक्चुअल में आपके पेट के अंदर जाती हैं तो केमिकल रिएक्शन करती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आप लोग ठीक हो जाते हो। जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई और आपने क्या लिया, एंटासिड जो टैबलेट होती है वो लोगे आप, तो एंटासिड टैबलेट लेते ही वो क्या करेंगे, एंटासिड टैबलेट आपके पेट के अंदर जो प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ वो एसिड टैबलेट रिएक्ट करेंगी और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी, जिससे क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन जो कि आपके पेट में हो रही है। फिर एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, आपको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके ज़रिए जो भी प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी है, ये रिएक्शन भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके समय, आपके चारों ओर हर समय हो रही होती है। ब्रीथ एयर, अब हम जब ब्रीथिंग करते हैं, आपको पता होगा, आपने जब रेस्पिरेशन चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कभी प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें ये बोला होगा कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथ एयर जो हम करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं, वो एक्चुअल में बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, उस प्रोसेस में रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स से वो हर सेल्स तक पहुंचता है, वहाँ पर जो फूड प्रेजेंट होता है उससे वो ऑक्सीजन रिएक्ट होगा फूड के साथ, और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर डूइंग ऑल टाइप ऑफ वर्क। तो बॉडी जो भी काम करती है उसी एनर्जी की मदद से करती है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, एक तरह की केमिकल रिएक्शन हुई। फिफ्थ केस है बैटरी। आपने देखा होगा आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होती है, लोगों के घरों में नहीं लगी होती हैं, तो आप सिंपल टॉर्च का भी एग्जांपल ले सकते हो, वॉच में जो सेल होता है घड़ी में, वो भी उसी का एग्जांपल है। उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, और उसके वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्शन में, वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आप तरह तरह के इक्विपमेंट रन कराते हो। इसके बाद एक एग्जांपल है आयरन रस्ट। आपने देखा होगा चारों तरफ आयरन में रस्टिंग हो जाती है, आयरन रस्टिंग भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। उसमें भी जो एक फेरस ऑक्साइड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो प्रोडक्ट के वजह से रस्ट चारों ओर लग जाती है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा डाइजेशन, जो आप खाना खाते हो, ऑब्वियसली बात है, वो पेट में जब खाना जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, उस खाने के साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके वजह से वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। पेट्रोल डीजल, आप गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डालते हो, तो वो एनर्जी कैसे, आपकी गाड़ी कैसे चलती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जब बर्न होता है तो उससे एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी एक तरह की हीट एनर्जी होती है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गाड़ी आपकी चलने लग जाती है। तो पेट्रोल डीजल भी क्या है, यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल का जो कम्बक्शन हो रहा है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है।
तो आपने इतने सारे, इसके अलावा भी इन्फाइनेट एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और चारों तरफ हमारे ये केमिकल रिएक्शन हमेशा हो रही होती है। इसके बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे को क्या नोटेबल चेंजेस नज़र आते हैं, तो इसमें लिखा है एक तो होता है चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी पहला वाला देखते हैं पहले, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने पेट्रोल डीजल का एग्जाम्पल लिया था, पेट्रोल डीजल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जैसे ही हम उसको इंजन में पहुंचता है, वहाँ पर उसकी बर्निंग होती है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल रिएक्शन में इसमें क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुई। तो चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फूड फॉर्म होता है, फूड सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, गैस से स्टेट चेंज होकर काय में पहुँच गई, लिक्विड और सॉलिड में पहुँच गई, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है। सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। तो कई सारी रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट जिस कलर का, मतलब जो आप जिस चीज़ से रिएक्शन हो रही है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके जो कलर्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को जलाओगे, जैसे आपने वाइट पेपर को जलाया, उसको जलने के बाद वो पेपर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तरह का चेंज इन कलर हुआ। थर्ड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आपने देखा होगा रिएक्शन के समय में बहुत सारा धुआं, स्मेल, गैस रिलीज होती है, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जैसे कुछ रिएक्शन के समय में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, उल्टी हीट एब्जॉर्ब होने लग जाती है, ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं, वो आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये चारों तरह की एक्टिविटी जो है रिएक्शन में हो सकती हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। पर ये कंपलसरी नहीं है किसी रिएक्शन में ये चारों ही ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आए, हो सकता है आपको एक नज़र आए, हो सकता है दो नज़र आए, हो सकता है तीन नज़र आए, हो सकता है चारों नज़र आए, पर कोई ना कोई एक नॉर्मली नज़र आएगा ही आएगा आपको, एक ना एक ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी में क्या होता है कि आप अगर अपने कई सारे बच्चों के स्कूलों में, लैब में आपके जो टीचर्स होते हैं वो करवाते हैं ये वाली एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन आती है, एक तरह का पेपर टाइप का होता है मैग्नीशियम का, उस रिबन को हम टोंग की मदद से पकड़ेंगे ऐसे, और उसको हम लैम्प के ऊपर रखे उसको बर्न करेंगे। जैसे ही हम लैम्प के ऊपर रखे बर्न करेंगे तो क्या होगा, एक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी और नीचे एक वाइट एस गिर जाएगी, और वाइट एस गिर जाएगी तो उस समय क्या हुआ, एक तरह की रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, उसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम पेपर जो है वो मैग्नीशियम का बना हुआ है, उसके बाद उसकी रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन के साथ। एक चीज़ आप सब लोगों को याद रखनी है, जब भी हम कोई चीज़ को बर्न करेंगे, कंबक्शन करेंगे, तो उसका मतलब होगा उस चीज़ की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे, एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, जो कि उस रिएक्शन के समय में एक जो आपको रिएक्शन में बनी हुई चीज़ नज़र आती है। तो ये एक्टिविटी आप स्कूल के लैब वगैरह में आपको जनरली करने को मिल सकती है। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे जो कि शो कर रही है केमिकल रिएक्शन को। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, मतलब वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर, मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो तरह के चेंज होते हैं, जो कि फिजिकल चेंज आपको पता हो शायद। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो ऐसी जो चेंजेस होते हैं इसको हम केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कुछ नई चीज़ बन जाए, कुछ न्यू प्रोडक्ट बने, कुछ नई, मतलब हम कुछ ले रहे हैं और बन कुछ और रहा है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो जब भी केमिकल चेंज होकर होगा, मतलब इसमें मैंने ये बताया, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होगा जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे, वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब जब भी केमिकल चेंज हुआ तो हम कहेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे कि इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं आपके डेली लाइफ में भी होते हैं, सेटनिंग ऑफ कर्ड, जैसे आपके घर में जो दूध को आप जमाने के लिए रख देते हैं, उस सुबह उसका दही बन जाता है, तो क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वहाँ पर भी क्या हुआ, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके अलावा
ये सारी जो भी अपने एक्टिविटीज़ बात की थी, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र नहीं आएगा इतना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है जो कि जनरली आपके पेट्रोल डीजल जब बर्न होते हैं उस समय प्रोड्यूस होती है। जब ये गैस हाइड्रोजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो क्या फॉर्म होता है, इथाइल अल्कोहल, यानी दारू बनती है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो आप लोगों को स्माइल आ गई होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट किए तो इथाइल अल्कोहल बना, ये एक रिएक्शन हुई। इसके अलावा हम रिएक्टेंट के, देखो अब रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट, इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जब रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है, कुछ भी चीज़ बने उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देखो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही होनी चाहिए, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मर्जी रिएक्टेंट हो सकते हैं, रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जनरली हम रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें तीन, ज़्यादा चार रिएक्टेंट तक पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने क्लास में है भी नहीं। फिर प्रोडक्ट भी कितने भी बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है, इसमें एक ही प्रोडक्ट लिखा है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज जिसमें हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। जैसे कि अगर मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन बताई थी, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो न्यू सब्सटेंस, एक्चुअल में वो न्यू सब्सटेंस ही होता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो हर रिएक्शन में यहाँ पर प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। इसके अलावा बोर्ड पे और भी कुछ रिएक्शन दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, जो कि रिएक्शन के बाद जो कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर का नाम है, आपको पता है नाम में ही लिखा है, इक्वेशंस इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है वो समझिए। क्या होता है केमिस्ट्री में, जब आप अगर कोई केमिस्ट जो होता है, जब केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसके एक रिएक्शन में उसको हज़ारों रिएक्शन पढ़नी पड़ती है और हज़ारों रिएक्शन को राइट करना पड़ता है। जब वो रिएक्शन को राइट करेगा, वो अगर इस तरीके से रिएक्शन राइट करेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें हम पूरा नाम लिख रहे हैं, यहाँ भी पूरा नाम लिख रहे हैं, यहाँ भी पूरा नाम लिख रहे हैं। अब सपोज मान लो ये रिएक्शन में तीन चार रिएक्टेंट होते, तीन चार प्रोडक्ट होते, तो मेरे लिए अभी बोर्ड कम पड़ गया होता। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आप लोगों के सामने, जिसमें आपको कुछ एक साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसा ईजीएस्ट वे निकाला जाए जिससे रिएक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सके, लोग उसको पढ़ने वाले आसानी समझ सकें कि एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है, इसका क्या सेंस है। तो इसके लिए हमने एक केमिकल इक्वेशन कॉन्सेप्ट लिया। तो केमिकल इक्वेशन जब हमने कॉन्सेप्ट लिया, तो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है, देखो अभी मैंने नॉर्मल तरीके से लिखी, तो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर ये तरीके से प्रॉब्लम हुई हमें, क्योंकि लिखने में अननेसेसरी बार बार लिखना थोड़ा सा हेक्टिक था। तो हमने क्या किया, इसके लिए कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ किया। तो आपके करीब लगभग 112 सिम्बॉल्स हैं अभी इस समय, तो हमने हर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसके लिए हमने कुछ सिम्बॉल डिसाइड किए। ये एक्चुअल में IUPAC ऑर्गेनाइजेशन करता है सारा कुछ, केमिस्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री वालों का, तो उसमें उन्होंने सिंबल डिसाइड किए। तो एक सिंबल था, देखो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम के लिए सिंबल लिया, वो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन के लिए सिंबल लिया है वो O होता है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, इसलिए O2 लिखा है। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके लिए भी मैंने सिंबल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको आप देखिए कितना ईजी हो गया लिखना, यहाँ पर हमने क्या किया, अब नेमिंग के जगह हमने सिंबल्स यूज़ किए,
और सिंबल्स यूज़ करने के बाद देखो मैंने यहाँ पर कुछ एस लिखा है, जी लिखा है, एस लिखा है। एक्चुअल में ये आपके रिएक्टेंट्स की स्टेट बता रहा है और प्रोडक्ट की भी स्टेट बता रहे हैं ये ब्रैकेट में जो लिखा है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम हमें पता चल रहा है सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है गैस है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या है सॉलिड है। और ऊपर से यहाँ पर एरो के ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है हीट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनको हम हीट प्रोवाइड करेंगे रिएक्टेंट्स को तब ये केमिकल चेन में जाएंगे। तो अब ये नोट जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन किया है ये बड़ा इजी हो गया, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिससे हमारा लिखने का टास्क बड़ा इजी हो जाए, हम ये समझ पाए कि कितने। अब देखिए इसके आगे ये सेकंड रिएक्शन का एग्जांपल देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। CO2 प्लस वाटर, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट हुए इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। आपके सामने आपको प्रोडक्ट मिले ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6। तो ग्लूकोज बना इस रिएक्शन में, देखिए कितना इजी हो गया। देखो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है, ब्रैकेट में गैस हो गया, लिक्विड हो गया, इसको लिखते तो काफ़ी बड़ा हो जाता। दूसरा नंबर ऑफ एटम्स कितने लिए हैं वो भी हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिए, 6 CO2 6 O2 6 वाटर, यहाँ पर 6 O2। अगर इसको हम लिखते तो कितना प्रॉब्लम हो जाता, पर इस तरीके से लिखने से काफ़ी कम जगह में आसानी से हमने इन पूरे रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया और सभी को समझ में आ रहा है। जो ये नंबरिंग लिखी हुई है, ये नंबरिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या सेंस होता है। एक्चुअल में ये यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस की गई है, वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे बैलेंस होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स एथाइल अल्कोहल। देखो इसको भी मैंने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो ये भी क्या है आपका एक केमिकल इक्वेशन है। मैं कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ, उनके थोड़े मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर लिखे हुए हैं AQ मीन्स एक्वस सोल्यूशन, एक्वा मीन्स वाटर, यानी कोई भी सोल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में हो उसको हम बोलेंगे AQ, एक्वस यानी वाटर में सोल्यूबल हो मेनली। फिर L फॉर लिक्विड, AQ मीन्स वाटर में सोल्यूबल, लिक्विड नहीं, लिक्विड के लिए हम अलग से सिंबल यूज कर रहे हैं L फॉर लिक्विड। S फॉर इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड कोई भी ठोस चीज प्रेसिपिटेट, वो एक ही बात होती है। G फॉर गैस, गैस अगर हमारा रिएक्टेंट गैस है या प्रोडक्ट गैस है तो हम सिंबल जो यूज करेंगे वो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी है जब हम थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंसिंग करने की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है समझना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, एक मास कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू वन फॉर्म इंटू अनदर एंड टोटल अमाउंट ऑफ मास रिमेन कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पर उस डेफिनेशन को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस रिएक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है। मास ऑफ एनी वन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसको अब हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसका जो मास होता है जब रिएक्शन नहीं हो रही है तब, मतलब शुरुआत में जो मास होगा, सपोज हमने दो प्रोडक्ट लिए, जैसे हमने लिया मान लो मैं ये वाला एग्जांपल ले लो, जिंक लिया हमने 30 ग्राम, H2SO4 लिया 20 ग्राम, इनको आपस में रिएक्ट किया तो कितना वेट हो गया इनका, 30 + 20 कितना हुआ 50 वेट हो गया इसका 30 ग्राम और इसका 20 ग्राम, तो ये जो वेट हुआ टोटल कितना हो गया इनका मिला के प्लस किया तो 50 ग्राम हुआ। तो जो ये वेट 50 ग्राम हुआ बिफोर द रिएक्शन वो सेम रहेगा आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए उनका वेट भी कितना होना चाहिए 50 ग्राम ही होना चाहिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो पहले होता है वही सेम मास बाद में रहेगा, मास बीच में कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो अगर ये रिएक्टेंट में, अगर रिएक्टेंट 50 ग्राम में प्रोडक्ट 40 ग्राम है तो रॉन्ग है वो रिएक्शन। हर जितनी भी सभी सारी रिएक्शन जो होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती हैं, उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ द एलिमेंट जो होगा बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, वही मास एंड ऑफ द रिएक्शन में भी रहेगा। एक और दूसरा तरीका इस पर, यहाँ पर भी हम जनरली जो रिएक्शन लिखेंगे उसमें हम मास कभी नहीं लिखते, हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और देखते हैं। नंबर ऑफ एटम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब अभी देखिए यहाँ पर जिंक के एटम कितने हैं, 1,
और यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट में, वन, ओके, कोई वरी नहीं है। हाइड्रोजन के एटम है दो, और यहाँ पर भी कितने हैं, दो। एसओ फोर क्या है, एक पॉलीएटमिक आयन है, इसको अलग अलग नहीं देखना है, एस और ओ को एक साथ देखना है। एसओ फोर कितना है, वन है, और यहाँ पर भी एसओ फोर वन है। तो ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम जो है बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन सेम है नंबर ऑफ एटम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन जो होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती हैं। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जो कोई छोटी रिएक्शन आती है उसको बैलेंस करना इजी हो जाता है, पर रिएक्शन जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो आप नॉर्मल तरीके से बैलेंस करोगे तो हो सकता है कि आप गलत बैलेंसिंग कर दो। तो उस बैलेंसिंग को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो प्रायोरिटी, उसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब पहले किस चीज़ को बैलेंस करना है वो ये बताएगा। तो पहले हमें करना है पॉलीएटमिक आयन को। तो पॉलीएटमिक आयन क्या होते हैं बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। पॉलीएटमिक आयन जो होते हैं, एक आयन होता है SO4, बहुत सारे होते हैं, HCO कार्बोनेट, OH हाइड्रोक्साइड, एंड NO3 नाइट्रेट, ऐसे कई सारे हैं, सो ऑन। तो ये आपको जब भी ये रिएक्शन में नज़र आए तो आपको क्या करना है, पॉलीएटमिक आयन्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर पॉलीएटमिक आयन्स कौन कौन से होते हैं, SO4 होता है। अरे यार सर एक मिनट पॉज करिए। बैलेंस करना पॉलीएटमिक आयन्स को, पॉलीएटमिक आयन्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे काफ़ी सारे पॉलीएटमिक आयन होते हैं, जैसे SO4, NO3, CO3 कार्बोनेट, SO4 होता है सल्फेट, NO3 होता है नाइट्रेट, एक होता है NO3, SO4, यार पॉज करिए सर मैं भूल रहा हूँ अब। तो हम प्रायोरिटी में देखते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस करना पॉलीएटमिक आयन्स को। तो हम पॉलीएटमिक आयन्स को बैलेंस करते हैं। तो पॉलीएटमिक आयन्स क्या होते हैं, ऐसे आयन्स जो कि पेयर्स, जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, हमेशा जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो जब उनको बैलेंस करना होता है तो उन्हें हमें अलग अलग बैलेंस नहीं करना है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि SO4 को जो है उसको वन इंडिविजुअली अलग अलग, S को अलग कंसीडर नहीं करना, ना ही O को अलग अलग कंसीडर करना है, दोनों को एक साथ कंसीडर करना है। तो जो भी पॉलीएटमिक आयन आपको रिएक्शन में नजर आएंगे तो उसको पहले बैलेंस करना है। तो पॉलीएटमिक आयन के एग्जांपल थोड़े से लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, SO4, NO3, PO4, CO3, ये सारे क्या हैं आपके एग्जांपल हैं आयन पॉलीएटमिक आयन्स के, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट और भी होते हैं कई सारे। तो ये पहले हमें बैलेंस करने हैं। दूसरे नंबर पर हमें मेटल्स को बैलेंस करना है अगर रिएक्शन में हो, मेटल्स अगर बैलेंस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें नॉन मेटल्स को बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 2/3 या 3/4, 4/3, इस तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और हमारे को एक नोट में नीचे लिखी हुई है, फार्मूला शुड नॉट बी चेंज, फार्मूला चेंज नहीं करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, H2O है इसको चेंज करके आपने क्या कर दिया, HOH, ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो फार्मूला चेंज नहीं करना है आपको। तो ये रूल्स से अब थोड़ा हम रिएक्शन बैलेंस करना देखते हैं कैसे। कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपको, रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करना देखते हैं। तो N2+H2=NH3, ये काफ़ी ईजी वन है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट में देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो उसमें क्या होगा देखते हैं हम, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें यहाँ मैं रिएक्टेंट लिखूंगा, यहाँ प्रोडक्ट लिखूंगा। अब देखते हैं पहले लेंगे, अब मैंने बताया था हमें रूल फॉलो करने हैं ये वाले प्रायोरिटी वाले। तो पहले देखना है कि पॉलीएटमिक आयन्स है इसमें, कहीं पॉलीएटमिक आयन्स हमें नज़र नहीं आ रहा है, छोड़िए फर्स्ट पॉइंट को। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, बैलेंस करना किसको, मेटल को। तो बैलेंस मेटल देखते हैं, मेटल भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना नाइट्रोजन मेटल है ना ही हाइड्रोजन मेटल है। फिर हम देखेंगे नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल है इसमें, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। एक और बात आप लोगों को याद रखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है।
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन एच एंड ओ एट लास्ट, इनको सबसे लास्ट में करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो पहले हम किसको करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन देखते हैं हम, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है 1। तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है, रिएक्टेंट में 2 है, बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 1 को 2 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया, मीन्स यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा। इस रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे N2 प्लस H2 ट्वाइस NH3। अब ये 2 जो लिखा है वो यहाँ नहीं लिख सकते हम, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने इसको अगर ऐसे लिखा तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब मैंने ये लिखी, इसके बाद दोबारा चार्ट बनाएंगे, अगेन दोबारा चार्ट बनाते हैं, देखते हैं फिर से क्या आ रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। पहले नाइट्रोजन फिर से अगेन चेक करेंगे, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 × N यानी 2, हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 6, 2 × 3 = 6। तो अगेन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हैं, फिर से हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। 2 को 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। अगेन टेबल बना के देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। रिएक्टेंट प्रोडक्ट नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखें कितने हैं 6, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो देखिए आप यहाँ पर पूरा हमारे रिएक्टेंट में जितने 2 हैं और उतने ही हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में जितने नाइट्रोजन हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में ही उतने नाइट्रोजन हैं, रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हैं, तो सेम है। तो आपकी रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे बैलेंस। रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बैलेंस करने का, काफ़ी इजी था, थोड़े थोड़े लेवल अपन हाई करते जाएंगे। तो एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, जिस एक और एग्जांपल लेते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, फिर से देखते हैं क्या करते हैं, वही टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हमने टेबल बनाया, ये रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट। अब फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे पॉलीएटमिक आयंस नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना ही सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट किसी तरह का यहाँ पर कोई पॉलीएटमिक आयन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स, यहाँ पर हमारे को मेटल्स भी नज़र नहीं आ रहे, कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है ही। तो अब हम देखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करना है। तो पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन देखते हैं कितने हैं, कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 1 है, यहाँ 1 और ये भी 1, तो कार्बन 1 1। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन को, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 4, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये बैलेंस नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो अब इस रिएक्शन को अगेन रीराइट करेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस CO2। तो ये आपने देखा, अब इसको हम फिर से चार्ट ड्रॉ करते हैं, फिर से चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अगेन कार्बन को फिर से बैलेंस करके देखते हैं क्या है, कार्बन 1, यहाँ पर भी 1 1, अभी कोई इशू नहीं कार्बन के साथ। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखेंगे 2 × 4 हाइड्रोजन ही बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2 + 2 यानी 4 हो गए ऑक्सीजन। देखो 2 × 1 = 2, और ये 2 है ही ऑलरेडी, तो 2 × 2 = 2 हो रहा है, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 4 हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं 2 हैं। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से,
फोर बनाना पड़ेगा, तो फिर अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा टू का। इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव्स टू एच टू ओ प्लस सी ओ टू। अब अगेन हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर से कार्बन, कार्बन वन, यहाँ पर भी वन, हाइड्रोजन फोर, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में टू टू ज़ा फोर। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर कितने, टू टू ज़ा फोर, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर। यानी सही है, रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है बिल्कुल, फोर एंड फोर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको रिएक्शन बैलेंस करने को आएंगे, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके, आपको हर बार चार्ट को ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने ड्रॉ कर लिया नहीं अब बैलेंस हो गई, चेक नहीं कर रहे हैं। हर बार हर एलिमेंट को हर स्टेप पे चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर कार्बन बैलेंस किया, यहाँ पर ही बैलेंस हो गया, तो आप नीचे चेक नहीं कर रहे हो। हर बार चेक करना है कि कई रिएक्शन ऐसी आएंगे जिसमें बीच में जाके कोई शुरू में बैलेंस था पर बीच में जाके अनबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हर बार हर चीज़ को चेक करना है और हर बार चार्ट को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सी फोर एच टेन प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू प्लस वाटर। इस रिएक्शन को देखते हैं ये कैसे बैलेंस होगी। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद अब देखते हैं हम क्या क्या स्टेप्स, वही स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। हम चार्ट बनाएंगे पहले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब इस चार्ट के हिसाब से पहले हम देखेंगे, हमने जो रूल्स लिखे थे प्रायोरिटी वाले मैंने इरेज कर दिए हैं, आप लोगों ने मे भी नोट कर लिए होंगे। तो उस रूल्स के हिसाब से देखेंगे हम पहले कि पॉलीएटमिक आयंस को देखेंगे इसमें है कि नहीं है। पॉलीएटमिक आयंस कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो पॉलीएटमिक आयंस को भूल जाते हैं। अब हम चेक करते हैं मेटल्स को, मेटल्स अगेन नहीं है यहाँ पर कहीं पर। फिर हम चेक करेंगे नॉन मेटल्स को, तो नॉन मेटल्स तो है ही सारे। तो पहले हम कार्बन से स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल्स में कार्बन यहाँ देखेंगे कितने हैं, फोर हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कार्बन कितने हैं, वन। प्रोडक्ट में वन है, बैलेंस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय फोर कर देंगे, यहाँ पर भी इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय फोर होगा। तो इस रिएक्शन को फिर से राइट करते हैं, सी फोर एच टेन प्लस ओ टू गिव्स फोर सी ओ टू हो जाएगा प्लस वाटर। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, मैंने बताया था, ऐसा नहीं करोगे कि आप इसको कुछ सी के नीचे यहाँ पर फोर लिख दिया, ये नहीं चलेगा। फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला सी ओ टू मीन्स सी ओ टू ही रहेगा, और जो फोर आपने लिखा है वो फोर कहाँ है, यहाँ पर है, फोर सी ओ टू हो गया। फिर से अगेन चार्ट ड्रॉ करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे फोर हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी फोर हैं। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, टेन हैं, हाइड्रोजन टेन हो गए। यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखते हैं, अब हाइड्रोजन कितने हैं, टेन, देखिए टेन, और प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, टू, तो हमें इसको फिर से टेन बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय फाइव होगा। तो इसको फिर से रीराइट करते हैं, सी फोर एस टेन प्लस ओ टू गिव्स फोर सी ओ टू प्लस फाइव एस टू। अब हम अगेन चेक करते हैं अपने चार्ट फिर से बना के, क्या सभी बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कार्बन देखते हैं यहाँ कितने हैं, फोर हैं, और प्रोडक्ट में भी फोर है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 10 और प्रोडक्ट में कितने हो गए, 5 टू ज़ा 10, सही है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 टू ज़ा 8, 5 वन ज़ा 5, यानी 13 हो गए, 8 प्लस 5 13। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई,
टू को जो है हम 13 नहीं बना सकते किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो है अब हमारा टाइम आ गया फ्रैक्शन लेने का, तो हमें फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये 13 बाई 2 हो जाए, ये 13 हो जाए 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 13 बाय 2 से, यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 13 बाय 2 से। तो हम इस रिएक्शन को अगेन मैं रीराइट करके बताता हूँ, C4H10 प्लस 13 बाय 2 O2 4CO2 प्लस 5H2O। अब फिर से देखते हैं चार्ट बनाकर कि चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो अब देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन देखते हैं 4, और यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 4 4। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 10 है, प्रोडक्ट में भी 5 2 10 है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 13 बाई 2, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 13, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 13, और यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करते हैं 4 2 8 और 5 2 10 नहीं सॉरी 5 1 5, तो 8 प्लस 5 कितने होता है 13, तो ऑक्सीजन कितने हैं 13, तो ये बैलेंस हो गया। तो अपनी रिएक्शन हम कह सकते हैं अभी क्या है बैलेंस है। पर मैंने एक नोट लिखवाई थी, चौथा अपना पॉइंट लिखवाया था प्रायोरिटी में मैंने कि फ्रैक्शन रिएक्शन में होना नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो रॉन्ग है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए तरीका क्या होगा, हमें 2 को हटाना है डिनोमीटर से, तो 2 को हटाने के लिए डिनोमीटर से हम कैसे हटाएंगे, सिंपल सा मैथ्स है मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2C4H10 प्लस ये 13 बाई 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 13O2 प्लस 4। अब ये देखो अब ये 4 है, 4 2 से कितना हो जाएगा 8CO2 और ये 2 5 10 10H2। ठीक, अगेन हम थोड़ा सा देखते हैं इसका चार्ट बनाकर ये रिएक्शन बैलेंस चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर नीचे बना के देख रहा हूँ, शायद नहीं आए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बना के देखता हूँ मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो पहले चेक करते हैं कार्बन को, कार्बन देखते हैं 2 4 8 और यहाँ पर भी कितने 8, तो कार्बन 8 8 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं 2 10 20, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 20 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 10 2 20। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 13 2 13 2 26 और यहाँ पर ऑक्सीजन को हम चेक करेंगे 8 2 16 प्लस 10 into 10 10 into 1 10, तो यहाँ पर भी 16 प्लस 10 26 हो रहा है और यहाँ पर भी 13 2 26 है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 26 और 26। तो ये आप देखेंगे रिएक्टेंट में, देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो आपकी रिएक्शन क्या है यहाँ पर बैलेंस है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस। तो ये हो गया बैलेंस, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई। ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल था, एग्जाम में आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। अभी और भी अपन हाई लेवल का एग्जाम लेंगे, दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग कि इसमें पॉलीटमिक आयन से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, देखते हैं इनको कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए फिर से हम वही चार्ट जो बना रहे थे वही चार्ट फिर से बनाएंगे। तो उस चार्ट के लिए देखते हैं पहले ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो हमने पहले मैंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो फिर से रिमेंबर करिए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या था कि पहले पॉलीटमिक आयन्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पॉलीएटमिक आयन्स नज़र आ रहे हैं, हाँ नज़र आ रहे हैं, NO3 क्या है एक पहले पॉलीएटमिक आयन है। ओके, फिर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, पॉलीएटमिक आयन दोनों जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो रिएक्टेंट में NO3 है, हाँ है, प्रोडक्ट में है, हाँ है। तो अब हम पहले पॉलीएटमिक आयन को बैलेंस करेंगे, तो NO3 चेक करते हैं। तो NO3 को होल लेना, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन अलग ले रहे हैं ऑक्सीजन अलग ले रहे हैं, अगर आप ऐसा लोगे तो आप रिएक्शन को गलत बैलेंस कर दोगे। तो NO3 देखते हैं यहाँ पर कितने हैं 1 है, NO3 पूरा टोटल क्या है होल एक 1 है सिंगल,
तो एन ओ थ्री यहाँ पर हम देखते हैं तो एन ओ थ्री कितने हमारे वन है। ओके अब प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में जो एन ओ थ्री नज़र आ रहे हैं वो कितने हैं टू है, तो यहाँ टू एन ओ थ्री है, अगेन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, तो यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए जी एन ओ थ्री प्लस एम जी सी एल टू ए जी सी एल प्लस एम जी एन ओ थ्री बाय टू। तो ये आपका, अब फिर से अगेन चार्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट एन ओ थ्री फिर से चेक करते हैं, हर बार 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 चेक करना, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया बैलेंस सर या हो गया एन ओ थ्री बैलेंस अब नहीं करेंगे बैलेंस फिर से, नहीं हर बार हमें चेक करना है कि एन ओ थ्री बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर एन ओ थ्री कितना है टू, यहाँ पर एन ओ थ्री देखते हैं यहाँ पर भी टू है, बैलेंस है हमारे। अब एन ओ थ्री तो हो गया हमारा बैलेंस, अब इसके अलावा कोई पॉजिटिव आयन तो है नहीं। अब हमारा दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर में दूसरा हमारा पॉइंट था कि हमें मेटल्स को बैलेंस करना है, तो मेटल देखते हैं यहाँ पर मेटल है, हाँ सिल्वर एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो दोनों ही मेटल हैं, तो सिल्वर को हम पहले बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं सिल्वर कितने हैं, सिल्वर यहाँ पर टू है और यहाँ पर जो सिल्वर है वो कितना है वन है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई, तो फिर से लिखते हैं ट्वाइस ए जी एन ओ थ्री, ब्रैकेट बना सकते हैं कोई इशू नहीं है पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, तो ट्वाइस ए जी सी एल, सॉरी यहाँ पर गिव्स वाला मैंने एरो नहीं लगाया है, ट्वाइस ए जी सी एल प्लस एम जी एन ओ थ्री बाय टू। अगेन हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबसे पहले फिर से एन ओ थ्री लेंगे, अब यहाँ पर हम एन ओ थ्री चेक करते हैं टू और यहाँ पर एन ओ थ्री अगेन टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एन ओ थ्री से। ए जी देखते हैं, ए जी सिल्वर यहाँ पर ए जी जो है यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी टू है, बैलेंस है टू टू। ओके अब हम देखते हैं मैग्नीशियम को, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम जो है वन है, प्रोडक्ट में भी कितना है वन है, कोई इशू नहीं बैलेंस है। अब हम चेक करते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट में टू और प्रोडक्ट में भी कितना है टू, तो हमारी ये क्या हो गई रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई, तो हम यहां लिख देंगे ये क्या है हमारी बैलेंस्ड, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन का केस था, एक और पॉलीएटॉमिक आयन का केस देखते हैं हम, यहां पर भी फिर से वही हम चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन कौन कौन से हैं, NO3 है ओके, रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी है, ये चेक जरूर करना है हमें। फिर चेक करेंगे OH, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, हाइड्रोक्साइड, रिएक्टेंट में है पर प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसको हम अब पॉलीएटॉमिक आयन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हमें इंडिविजुअली जैसे ऑक्सीजन यहाँ दिया है उसको अलग बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को अलग बैलेंस करेंगे, इसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस के तौर पे बैलेंस नहीं करेंगे। तो पहले हम NO3 को बैलेंस करके देखते हैं, NO3 रिएक्टेंट में कितने हैं, NO3 रिएक्टेंट में है वन, प्रोडक्ट में कितने हैं टू है, वन और टू, तो यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ट्वाइस एच एन ओ थ्री प्लस सी ए ओ एच बाय टू सी ए एन ओ थ्री बाय टू प्लस वाटर। अगेन फिर से चार्ट ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, फिर से हम पॉलीएटॉमिक आयन को चेक करते हैं, NO3, NO3 यहाँ पर कितने हैं टू हैं और यहाँ पर NO3 कितने हैं टू हैं, अगेन बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है। NO3 के बाद अब ये तो हो गया बैलेंस, अब हम बैलेंस किसको करना है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है मेटल्स को बैलेंस करना है, तो यहाँ मेटल्स कोई नज़र आ रहा है, कैल्शियम एक मेटल्स है तो कैल्शियम को पहले बैलेंस करेंगे, कैल्शियम देखते हैं कितने हैं रिएक्टेंट में है वन
और प्रोडक्ट में कितना है? 1। कोई इशू नहीं है, बैलेंस है। अब कैल्शियम हो गया, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन चेक करते हैं कितने हैं रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है H2, मतलब दो हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 1, ओके, और सॉरी 1 नहीं 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 1, बैलेंस नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH बाय 2 CaNO3 बाय 2 प्लस ट्वाइस H2। अब हम फिर से चार्ट ड्रॉ करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट NO3 देखते हैं कितने हैं। NO3 यहाँ पर 2, ओके, कोई वरी नहीं है। यहाँ पर भी 2 है। NO3 के बाद CA चेक करेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम कितने हैं रिएक्टेंट में? 1 है, ओके। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1 है। उसके बाद चेक करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिएक्शन में कितने हैं? 2, ओके, रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं रिएक्टेंट में, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो कितने हो गए? 2 + 2 = 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में यहाँ पर अगेन कितने हाइड्रोजन है? 4 है। अरे यहाँ पर भी रिएक्टेंट में, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लिखे हैं? 2 × 2 = 2 और 2 = 4। यहाँ पर कितना था? अच्छा, वहाँ से गड़बड़ा, पूरा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। अब फिर से हम अगेन चार्ट बनाएंगे, अगेन इसको जो 2 का मल्टीप्लाई किया है वो हो गया, चार्ट अगेन बनाते हैं। अगेन चार्ट बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या क्या कितना बैलेंस है। NO3 चेक करते हैं, NO3 कितने हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में? 2 हैं, और प्रोडक्ट में NO3 कितने हैं? 2 हैं, एक्चुअली बैलेंस हैं। उसके बाद मेटल चेक करेंगे, मेटल कौन सा है हमारे पास? कैल्शियम, एक मेटल दिया हुआ है इसमें, तो क्या मेटल को पहले बैलेंस करेंगे। कैल्शियम चेक करेंगे कितने हैं? 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी कितना है? 1 कैल्शियम, तो 1 कैल्शियम है, कैल्शियम भी कोई इशू नहीं है। कैल्शियम के बाद हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 और प्लस 2 ये वाला भी, क्योंकि देखो OH क्या है, पॉलीएटमिक आयन के तौर पर नहीं देख रहे हैं हम इसको, तो हम इसके इंडिविजुअल एटम्स को देखेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 प्रोडक्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा 2 का। फिर से अगेन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH बाय 2 गिव्स CaNO3 बाय 2 प्लस ट्वाइस H2। अगेन चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है, चेक करके देखते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट NO3 फर्स्ट चेक करेंगे, NO3 कितने हैं? 2 हैं, कोई इशू नहीं है, और प्रोडक्ट में भी NO3 कितने हैं? 2 हैं। NO3 के बाद मेटल आएगा, मेटल कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है यहाँ पर? 1, और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो 1 1। उसके बाद हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने हो गए? 2 × 2 = 4 हो गए। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेना है क्योंकि ये पॉलीएटमिक आयन्स में है, और ये वाला ऑक्सीजन हम लेंगे क्योंकि ये वाला पॉलीएटमिक आयन प्रोडक्ट साइड नहीं था, तो 2 × 2 = 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं केवल, और यहाँ पर ऑक्सीजन को चेक करें तो यहाँ पर भी ये वाला ऑक्सीजन को नहीं लेना है, केवल ये वाला लेना है क्योंकि ये पॉलीएटमिक आयन का पार्ट है ये वाला, और ये वाला नहीं है, तो हम ये वाला कंसीडर करेंगे, 2 × 2 = 2, तो ये हो गया 2। तो अब देख रहे होंगे रिएक्शन हमारी क्या है, जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में एलिमेंट है, तो हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है, और हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था। अब मैं आपको आगे का पोर्शन है वो पार्ट 2 में कवर करवाऊंगा।
तो आप देखते रहिए हमारा जो चैनल है, और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।